टोयोटा ग्रोला ग्रैंडे सीवीटी एक्स। टोयोटा ग्रोला ग्रैंडे 2014 में पाकिस्तान में जो इसकी 11th जनरेशन है बहुत वेट के बाद लॉन्च की गई थी, और उसकी फर्स्ट इटरेशन जो चेंज किया गया था वो 2017 में था। 17 के बाद 2020 के अंदर आके इसको एक्स के फॉर्म दी गई। इसके अगर आप बम्पर देखेंगे, बॉडी किट देखेंगे, ये सामने जो आपके पियानो ब्लैक मटीरियल नज़र, क्रोम की जो कम्बिनेशन नज़र आ रहा है, इससे गाड़ी को एक स्पोर्टी लुक दी गई थी। अडेप्टिव हेडलैम्प्स जो है वो पहले दिन से गाड़ी के अंदर आते हैं, DRLs आते हैं। साइड पर अगर आप आ जाए तो गाड़ी के व्हील्स 2015 से लेके 17 तक एक थे। 17 के बाद ये व्हील्स आ गए थे जिनके ऊपर आपको इंपोर्टेड टायर मिलता है। साइड स्कर्ट अगेन, साइड पे गाड़ी की प्रोफाइल बिल्कुल सेम है पहले दिन से। बैक पे अगर आप आ जाए 2017 के अंदर जो लाइट चेंज की गई थी अभी तक वही चल रही हैं। आपकी जो ये डिगी की जो क्रोम गार्निश है ये चेंज हुई थी, पिछला बम्पर चेंज हुआ था, ब्लैक डिफ्यूज़र जो है वो ऐड कर दिया गया था, और गाड़ी की जो ओवरऑल शेप है बहुत स्पोर्टी हो गई थी। 2020 के अंदर क्रोला ग्रैंडे के अंदर दो किस्म के इंटीरियर ऑफर किए गए थे, एक बेज था जो पहले दिन से आ रहा था जब गाड़ी लॉन्च की गई थी 2014 में, बट 2020 के अंदर आके जो है ना ब्लैक इंटीरियर दे दिया गया था। अभी एक ह्यूमन साइकी है, पहले पुराने ज़मानों में गाड़ियों के इंटीरियर ब्लैक होते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बेज की तरफ गए और लोगों को वो पसंद आना शुरू हुआ। अब दोबारा एक चेंज जो है वो ह्यूमन नेचर को पसंद है, तो ब्लैक इंटीरियर वाली ग्रैंडी जो है वो बेज से महंगी है, और मुझे पर्सनली स्पीकिंग बेज ज़्यादा पसंद है बिकॉज वो खुला खुला लगता है, ब्लैक थोड़ा कंजेस्टेड लगता है, बट फॉर अ चेंज इट फील्स गुड टू सिट इन अ कार विद अ ब्लैक इंटीरियर। बाकी तमाम करोला का बेज है, इसका ब्लैक है, इसमें स्टिच लेदर आपको नज़र आ जाता है। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दे दिया गया जो कि पहले दिन नहीं था। सबसे पहले ग्रैंडी जब आई थी तो उसमें मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल था, मैनुअल ए सी नॉर्मल था, फिर डिजिटल आया सिंगल जोन 2016 में, 2017 में उसके अंदर मजीद चेंज किए गए, और अब फाइनली जो है इसमें डुअल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है। हेड यूनिट जो है वो पहले दिन जो है बहुत ही लैगी था और उसके अंदर बड़े इतराजात थे लोगों को, 2017 में उसको बेहतर किया गया, 2020 में जब करोला एक्स लाई गई तो उसको और बेहतर कर दिया गया। इस तरह जो इसका मीटर है वो चेंज किया गया था 2014 के बाद 17 में, 17 के बाद 19 20 के अंदर आके इसका MID चेंज किया गया। पुश स्टार्ट पावर मोड जो था पहले दिन से नहीं था इसमें, स्पोर्ट्स मोड जो है उसको ऐड किया गया था, ये भी पहले आने वाली इटरेशन में नहीं था। इस तरह यहाँ पे USB कनेक्टिविटी, AUX कनेक्टिविटी, काफ़ी चीज़ें गाड़ी में विद टाइम ऐड की गई हैं। टोयोटा ग्रैंडे की प्राइस जानने के लिए इधर क्लिक करें, ताकि आपको इसके दोनों वेरिएंट ब्लैक इंटीरियर बेज इंटीरियर ऑन रोड प्राइस आपको मिलेगी कि आपने सिटी में विद टैक्स विद रजिस्ट्रेशन आपको ये गाड़ी क्या कॉस्ट करेगी।